हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल सिद्ध योग बनने जा रहा है, सप्तमी तिथि है, साथ ही गुरुवार जो माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित है, तो आवश्यक रूप से इन पांच जगहों पर स्वास्तिक अवश्य बनाए। सुख समृद्धि पॉजिटिव एनर्जी धन संबंधी परेशानियों को यह दूर करने वाला होता है। तो ऐसे में ओम लक्ष्मी पते नमः या ओम विष्णवे नमः कहते हुए आप सभी को यह स्वास्तिक बनाने हैं। स्वास्तिक चाहें तो आप हल्दी से बना सकते हैं या कुमकुम से बना सकते हैं, बस दक्षिण दिशा की ओर बनाए इस बात का ध्यान रखें। रसोई में आप कहीं भी बना सकते हैं, मंदिर में भी आप कहीं भी बना सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले कहाँ बनाना है, आप सभी को सबसे पहले बनाना है अपने रसोई घर में, जो अन्नपूर्णा का वास माना जाता है जिस स्थान पर, उस जगह पर आप सभी को सबसे पहले स्वास्तिक बनाना है, वह है रसोई घर। तो आवश्यक रूप से कल साफ स्वच्छ हो जाने के बाद पूजा करने के पश्चात जो है आप सभी को रसोई घर में स्वास्तिक बनाना चाहिए। उसके बाद दूसरा स्थान आता है घर का मंदिर। हमेशा घर के मंदिर में आप सभी को समय समय पर आने, जैसे जैसे कोई नया दिन आए, कोशिश कीजिएगा तीसरे चौथे दिन हमेशा नया स्वास्तिक बनाने का। इसके बाद तीसरा स्थान आता है घर के मुख्य द्वार पर। हमेशा घर के मुख्य द्वार पर दो स्वास्तिक बनाने चाहिए। जो दो स्वास्तिक होते हैं, हालांकि वह एक ही माने जाते हैं, परंतु यह जोड़े में हो गए तो तीसरे स्थान पर घर के मुख्य द्वार पर आप सभी को स्वास्तिक बनाना चाहिए। इसके बाद जो स्थान आता है चौथा स्थान, वह है पीपल वृक्ष के नीचे। जैसे कि आप सभी शिव भक्त हैं तो पीपल वृक्ष के नीचे दीपक लगाने जाते ही होंगे। शुक्रवार के दिन तो विशेष रूप से माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का इसमें वास माना जाता है, तो आवश्यक रूप से पितृ कृपा के लिए स्वास्तिक बनाना ना भूले पीपल वृक्ष की जड़ में। इसके बाद स्थान आता है शिव मंदिर में या अपने घर की तिजोरी में। इन दो जगहों पर आप सभी, इन दो जगहों में से एक जगह आपको जो है कल के दिन विशेष रूप से स्वास्तिक बनाना चाहिए। सुख समृद्धि धन संपदा निरंतर बढ़ते चली जाती है, नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है, सकारात्मक ऊर्जा से घर भरा जाता है। प्राचीन समय से ही स्वास्तिक जो है विशेष प्रत्येक शुभ कार्य में सबसे पहले स्वास्तिक बनाए जाते हैं, तो आवश्यक रूप से कल के दिन आप सभी को स्वास्तिक बनाना चाहिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।